तरुण तेजपाल दिल्ली से गोवा पहुंचे। गोवा की सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से रोक के लिए मिली अंतरिम राहत को कल सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ाया। कांग्रेस ने जहरीला संबंधी बयान के लिए चुनाव आयोग से की नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया की शिकायत, कड़ी कार्रवाई करने की मांग। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली की अदालत ने बसपा सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका की खारिज। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह की नौकरानी की हत्या के मामले में हुई है गिरफ्तारी। उच्चतम न्यायालय ने टीवी पर प्रसारण सामग्री को लेकर केंद्र और प्रेस परिषद को जारी किया नोटिस। टीवी चैनलों पर कंटेंट की निगरानी से जुड़ी याचिका पर अदालत ने जारी किया नोटिस। राजस्थान में आज शाम से थम गया चुनाव प्रचार का शोर। राज्य में विधानसभा की 200 सीटों के लिए रविवार को होना है मतदान। चुनाव आयोग ने एक ही चरण में राज्य में हो रहे मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के किए हैं पुख्ता बंदोबस्त। शेयर बाजार उछाल के साथ बंद। सेंसेक्स में 257 अंकों की बढ़त, 20,792 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 84 अंकों का उछाल, 6,176 पर हुआ बंद। थाईलैंड में सरकार विरोधी प्रदर्शन छठे दिन भी जारी। प्रदर्शनकारी बैंकॉक में सेना मुख्यालय और सत्ताधारी दल के कार्यालय में घुसे। हाल ही में संन्यास लेने वाले दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब वो स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। सचिन पिछले 10 साल से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। 15 दिसंबर को दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन होगा। इस बार 100 मीटर के पूर्व विश्व रिकॉर्डधारी डोनोवान बेली दिल्ली हाफ मैराथन के इवेंट एम्बेसडर होंगे, जबकि मिल्खा सिंह विशेष मेहमान के तौर पर मैराथन में उपस्थित रहेंगे।